खबर शिवपुरी के खनिया थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां कल पानी के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की लाखों की फसल खेतों में ही तबाह हो गई, जिसे लेकर जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह यादव एवं खनिया थाना किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष अजय सनातन, मय प्रशासनिक अमला एसडीएम ब्रजेंद्र सिंह यादव, तहसीलदार सुनील प्रभाष खनियादाना के साथ गांव-गांव जाकर मुआयना किया, जिसमें किसानों की लाखों की फसल खेतों में बुरी तरह तबाह हो गई। किसानों ने प्रशासन एवं सरकार से गुहार लगाई, हमें सही समय पर निरपेक्ष मुआवजा दिया जाए। प्रशासनिक अमला और जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह यादव ने आश्वासन देते हुए भरोसा दिलाया, आपका सही समय पर मुआवजा दिया जाएगा। मैं सरकार से अपील करूँगा, किसानों को सही समय पर सही मुआवजा दिया जाए, जिससे किसानों की भरपाई हो सके। एसडीएम ब्रजेंद्र सिंह यादव ने टीम गठन कर जल्द से जल्द जांच के निर्देश दिए हैं। हमारे क्षेत्र में खनिया थाना क्षेत्र में कल बहुत भयंकर ओलावृष्टि देखने को मिली है, और 60-65 साल के जो बुजुर्ग हैं वो भी बता रहे हैं कि हमने पूरी जिंदगी में इतनी भयंकर ओलावृष्टि नहीं देखी, जिसमें बहुत बड़े आकार के और बहुत घनी मात्रा में ओले गिरे हैं। इसी के चलते हमारे जिले के उपाध्यक्ष माननीय प्रहलाद सिंह यादव जी के साथ मैं और प्रशासनिक जो अमला है, जिसमें SDM साहब थे, तहसीलदार साहब थे और पटवारी और सभी अधिकारियों को लेकर के हम पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर भी ओलावृष्टि हुई है और उसका सर्वे करने के लिए गए थे और मौके का मुआयना करने गए थे, तो देखा कि डाबर गांव में तो बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति है। डाबर गांव की लगभग सभी फसलें बहुत भयंकर तरीके से नष्ट हो गई हैं, जिसमें और इसके अलावा खड़ीचरा, तेरई, अमुआय हुआ, मुहासा गाँव है आदि, इन गाँवों में भी बहुत ज़्यादा क्षति हुई है, जिसमें कि धनिये की फसल तो पूरी तरह से तबाह हो गई है और इसके अलावा अन्य फसलों को भी, गेहूं को भी नुकसान है। पानी भी बहुत बरसा था इसकी वजह से। प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासनिक अमला SDM साहब थे, तहसीलदार साहब साथ में थे, उन्होंने तुरंत ये स्थिति को देख करके उन्होंने तुरंत टीम का गठन कर दिया है, जिसके अंदर पटवारी के साथ साथ और अन्य अधिकारियों की 6 लोगों की टीम बनाई है, जो कि खेत खेत तक, मेड़ मेड़ तक जाकर मुआयना करेंगे और सर्वे में जो भी सत्यता पाई जाएगी उस हिसाब से ग्रामीणों को, किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। ये मुआवजा कब तक दिलाने का? जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे। इसमें हमने खुद ने भी देखा है कि नुकसान हुआ है किसानों का, और हमारा शासन से भी हम निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द इसका मुआवजा दिलाया जाए। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के लिए धन्यवाद, जो आप लोगों ने किसानों के इस दुख दर्द में हमारा साथ आप दे रहे हैं, क्योंकि कल काफ़ी ओलावृष्टि और पानी से भी किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आज सुबह SDM साहब, तहसीलदार साहब और मैं स्वयं यहाँ से अपने खड़ीचरा, तो खड़ीचरा में देखा, पचराई में देखा, डाबर में देखा, महुआ, तेरई और धपोरा, इतने ग्रामों का दौरा किया, तो कुछ तो मतलब नुकसान तो हुआ है, पानी से हुआ है, उससे भी हुआ है। तो पटवारी लोगों, सबसे मैंने तहसीलदार साहब से कहा कि हमारे किसान किसी भी तरीके से इससे वंचित न रह जाए, और आप सर्वे बिल्कुल ईमानदारी से हो। प्रशासनिक अमला का क्या कहना? प्रशासन का तो तहसीलदार साहब ने भी, SDM साहब ने यही कहा कि नहीं, किसी के साथ मतलब वो नहीं होना चाहिए पक्षपात। तो मैंने उनको भी सभी किसानों से कहा है कि भाई आज मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज मामा और श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया केंद्रीय मंत्री आप लोगों के साथ हैं, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, और हर संभव सरकार मदद देने के लिए तैयार है। इस आपदा में हम सब आपके साथ हैं।